दोस्तों आजकल फेक व्यूज़ और फेक फॉलोअर्स का जो मुद्दा है वो बहुत ज़्यादा लाइट्स में है। इनके अंदर व्यूज़ चुराने और फेक फॉलोअर्स बढ़ाने के आरोप में कुछ सेलेब्स का नाम भी सामने आया है, जिनमें से एक बहुत बड़े सिंगर और रैपर का नाम सामने आता है, जिनका नाम है बादशाह। बादशाह के ऊपर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने व्यूज़ चोरी किए हैं और अपने फॉलोअर्स फेक बढ़ाए हुए हैं। उनका एक साल पहले एक गाना आया था पागल है, तो उनमें उन्होंने व्यूज़ चोरी करने का काम किया था। लेकिन अपने डिफेंस में उन्होंने एक बात कही थी बादशाह ने कि उन्होंने तो अपनी वीडियो प्रमोशन में लगाई है और इसमें कुछ गलत नहीं है। तो दोस्तों यूट्यूबर्स भी अपनी वीडियो को प्रमोट करते हैं, क्या वीडियो को प्रमोट करना ही फेक व्यूज़ कहलाता है, व्यूज़ चोरी करना कहलाता है? इस वीडियो के अंदर हम जस्ट यही बात क्लियर करने वाले हैं कि वीडियो को प्रमोशन करना क्या होता है और फेक व्यूज़ बढ़ाना क्या होता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खान और मैं अपने चैनल आरटेक में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों अगर मेरी दी गई हुई जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को याद करके सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फेक व्यूज़ और फेक फॉलोअर्स की। तो दोस्तों जब ये गाना आया था पागल है, तो इस गाने ने 24 घंटे के अंदर ही 75 मिलियन व्यूज़ कंप्लीट कर लिए थे, 75 मिलियन व्यूज़ अपने कंप्लीट कर लिए थे। इस गाने ने रिकॉर्ड बनाया था कि फर्स्ट 24 आवर्स के अंदर 75 मिलियन व्यूज़ स्कोर करने वाला ये पहला गाना बन गया था। दोस्तों इससे पहले जो ये रिकॉर्ड था ये किसी और के नाम था, आउट ऑफ इंडियंस के नाम था। तो अब ये बात रही कि इस बात का शक कैसे हुआ कि ये जो व्यूज़ बढ़ाए गए हैं ये चोरी से बढ़ाए गए हैं, वास्तव में रियल ये व्यूज़ नहीं है। तो इसका शक दोस्तों जब हुआ कि जब व्यूज़ तो 75 मिलियन जा रहे हैं लेकिन कमेंट्स हैं वो 100 200 300 400 ही हैं, तो जाहिर है शक तो होगा ही। लेकिन उससे पहले क्या हुआ कि दोस्तों एक लड़की ने कंप्लेन की थी कि भाई उनके नाम से ही कोई इंस्टाग्राम आईडी बना रखी है, फ़ोटोज़ भी उसी की लगा रखी है, ठीक है। तो दोस्तों वापस से अपने टॉपिक पे आते हैं कि भाई कैसे पता चल फेक व्यूज़ या फेक फॉलोअर्स होते कौन है। दोस्तों ये एक तरीके का एक पूरा ग्रह होता है, ग्रुप होता है, या फिर कहें तो कंपनी होती है जो पैसे लेती हैं, पैसे लेकर उनके व्यूज़ बढ़ाती है, व्यूज़ बढ़ाने का काम करती है किसी एक वीडियो पर। तो वो रैकेट चलता कैसे है? तो दोस्तों या तो ये किसी के स्मार्टफोन्स को हैक करते हैं और उनके ज़रिए उनके व्यूज़ बढ़ाते हैं, या फिर उनकी किसी रियल पर्सन के नाम की एक आईडी बना के रखते हैं जिनसे कि वो उनसे वॉच करते हैं और उनको पैसे लेकर व्यूज़ बढ़ाते हैं। तो दोस्तों ये होता है फेक फॉलोअर्स, पैसे देकर करवाना काम, फेक व्यूज़ और फेक फॉलोअर्स। वैसे ही पैसा लेकर वो फॉलो करते हैं, जेन्युइन नहीं होते वो। अब रही बात प्रमोशन की, दोस्तों क्या यूट्यूब पर भी लोग वीडियो को प्रमोट करते हैं, क्या वो भी फेक हो जाएगा? दोस्तों वो फेक नहीं है। क्यों? क्योंकि जो यूट्यूब जो गूगल एड्स जो पैसे लेता है आपसे, उसके लिए वो एक काम करता है कि जो यूट्यूब के ऊपर जब कोई वीडियो सर्च करता है आपके टाइटल से रिलेटेड, तो वो क्या काम करता है, आपकी वीडियो को ऊपर शो करता है। लेकिन वो किसी से ज़बरदस्ती नहीं क्लिक करवाता, वहाँ कोई बंदा पैसा लेकर क्लिक नहीं करता है, वो वीडियो को शो करता है ऊपर। अब किसी बंदे की अगर चॉइस है उस पर क्लिक करना, उसको अच्छी लग रही है, अगर आपके कंटेंट में दम है, अच्छा है, बढ़िया कंटेंट है, तो वो बंदा उस पर क्लिक ज़रूर करेगा, और जब क्लिक करेगा तो जाहिर आपको व्यूज़ भी मिलेंगे। तो दोस्तों व्यूज़ पैसे लेकर देना और आपकी वीडियो को ऊपर लेके आना, दोनों में फ़र्क है दोस्तों। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि फेक व्यूज़, फेक फॉलोअर्स और प्रमोशन के अंदर क्या फ़र्क है। तो दोस्तों जो गूगल एड्स जो प्रमोट करता है वो फेक व्यूज़ या फिर चोरी किए हुए व्यूज़ नहीं होते हैं। तो दोस्तों अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।